हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस कैप्सूल दिस वीडियो इज पार्ट ऑफ ऑनगोइंग सीरीज ऑन द डिस्कशन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ सी एच एस एल टू थाउजेंड नाइनटीन हेल्ड इन टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी तो हम लोग ऑलरेडी जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स को डिस्कस करना स्टार्ट किए हुए हैं ये जो डिस्कशन है ये डेट वाइज डिस्कशन है किसी पर्टिकुलर डेट की जो तीनों शिफ्ट हैं उनको एक वीडियो में डिस्कस किया गया है अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन किस शिफ्ट में पूछे गए हैं तो इसमें तीनों शिफ्ट में मेडिबियल इंडिया से कोई क्वेश्चन नहीं आया है एंशियंट से केवल एक क्वेश्चन आया है मॉडर्न इंडिया से तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है पॉलिटी से हर बार की तरह पूछा गया है पॉलिटी और ज्योग्राफी से आपको लगातार तीनों शिफ्ट में जो है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं जितने भी अभी तक पेपर डिस्कस किए हैं फिजिक्स से एक केमिस्ट्री से भी सिंगल सिंगल क्वेश्चन तीनों में है बायो में भी इकोनॉमी और कंप्यूटर से भी सब में पूछा गया है इसमें जो आपका जनरल नॉलेज का पार्ट है उससे पहली शिफ्ट में सिक्स क्वेश्चन सेकेंड में फोर और थर्ड में सेवन क्वेश्चन हैं और करंट अफेयर में फोर सेवन और फाइव क्वेश्चन हैं अब अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो इजी क्वेश्चन जो है वो, 10, 12, हैं वो टेन ट्वेल्व और थर्टीन पूछे गए हैं मीडियम लेवल जो है वो सेवन टेन और नाइन है लेकिन हार्ड जो शिफ्ट वन में ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस थे एट क्वेश्चंस और शिफ्ट टू और थ्री में कंपैरेटिव जो है वो तीन तीन जो है वो हार्ड क्वेश्चंस हैं तो सबसे पहले हम लोग जो है वो नाइनटीन अक्टूबर की जो डेट है हम उसकी डिस्कशन कर रहे हैं तो उसका जो शिफ्ट वन है उसको डिस्कस करेंगे तो पहला क्वेश्चन है संतोष ट्रॉफी जो है ये अवार्ड है किस विनिंग टीम को दिया जाता है किस स्पोर्ट की तो आंसर है सी फुटबॉल ये फुटबॉल की ट्रॉफी है जो 1941 में जो है वो स्टार्ट की गई थी तब से जो है मैच एनुअली होता है नेक्स्ट है जो ह्यूमन स्लाइवा है उसमें कौन सा एंजाइम होता है जो स्टार्स को ब्रेक डाउन करता है शुगर में तो आंसर है बी एमाइलेज़ जो मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की वो माउथ में स्टार्ट होती है इस पे भी ऑलरेडी आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया है आपके प्रीवियस ईयर पेपर में तो सबसे पहले जब हम च्यू करते हैं तो जो स्लेबरी जो हमारे स्लाइवरी ग्लैंड हैं उससे स्लाइवा स्क्रीट होता है जिसमें की स्लाइबरीज अमाय, जो है वो पाया जाता है अभिजीत बैनर्जी इंडियन बॉर्न रिसर्चर है वॉज वन ऑफ द विनर ऑफ नोबल प्राइज 2019 फॉर तो आंसर है बी उनको इकोनॉमिक्स के लिए जो है वो प्राइज मिला था अगर किसी भी इंडियन ओरिजिन के पर्सन को नोबल प्राइज जो है वो दिया जाता है तो उस पर हर साल जो है वो क्वेश्चन आता है तो उनको ये प्राइज नोबल उनको ये इकोनॉमिक्स के लिए प्राइज मिला था साथ ही में उनकी वाइफ एस्टर दफ्लो और माइकल क्रैमर को जो है जॉइंटली अवार्ड मिला था फॉर देयर एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी ग्लोबल पॉवर्टी से रिलेटेड उनकी जो थ्योरी है उसके लिए जो है वो अवार्ड मिला था नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश के व्यक्तिगत निर्णय लेने वाली इकाइयां जैसे कि उपभोक्ता संस्थान स्वामी और फार्म्स और फॉर्म्स के व्यवहार के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है तो इसका आंसर जो है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स जो माइक्रो है इट स्टडीज द डिसीजन एक्सचेंज एंड कंज्शन इट डील्स विद प्राइजेस एंड प्रोडक्शन इन सिंगल मार्केट एंड इंट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मार्केट्स बट लीव द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स टू एन अनॉन लिक्विड इन इट टर्न रेड वट वॉज दैट लिक्विड सो एक चीज क्लियर है कि लिक्विड जो है वो एसिड होगा सबसे पहले जो लिटमस पेपर है इट इज मेड ऑफ वुड सेलुलोज जिसमें की क्या होता है, Lichens होते हैं। जो रेड लिटमस पेपर है इट टू अल्कलाइन सब्सटेंसेस बाय टर्निंग ब्लू अगर अल्कनाइन सब्सटेंस होगा तो उसका कलर जो है वो ब्लू कलर हो जाएगा और जब एसिडिक सबस्टांस होगा तो उसका कलर जो है वो रेड हो जाएगा विच मॉरियन रूलर बिकेम फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म तो आंसर है ए अशोक ही वॉज द थर्ड ऑफ मॉडर्न एम्पायर और उनकी एडिक्स से ये पता चलता है कि कलिंगा की वॉर के बाद जो है वो बुद्धिज्म के फॉलोअर हो गए थे इनमें से कौन से जो क्रिकेटर हैं इज नॉट अ पार्ट ऑफ श्रीलंकन टीम तो आंसर है सी केदार यादव ये इंडियन क्रिकेटर प्लेयर हैं। जो महाराष्ट्र के लिए खेलते हैं और इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम के लिए भी खेलते हैं नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एनर्जी तो आंसर है सी जूल ऐसा इंग्लिश फिजिस्ट जेम्स प्रेस्कॉट जूल द गुरु स्क्रिप्ट जो है पंजाबी लैंग्वेज की इट वॉज इन्वेंटेड बाय विच सिख गुरु तो आंसर इज डी गुरु अंगद हु इज द सिख गुरु फॉलोविंग डिवाइज इज नॉट यूज टू एंटर डेटा इन टू कंप्यूटर तो आंसर एज सी मोनिटर मोनिटर पे हम जो है वो डिस्प्ले देखते हैं जो उसका स्क्रीन होता है या जिसको विडियो भी कहते हैं विडियो डिस्प्ले यूनिट नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर यूनिट अंडरटेकिंग डज नॉट है Next, unit, uh, तो किसको जो है इनमें से महारत्ना स्टेटस नहीं मिला है तो आंसर है डी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड बाकी जो तीनों हैं ये तीनों महारत्ना कंपनीज हैं सेल और ये जो कोल इंडिया लिमिटेड और जो गेल है ये सारे महारत्ना है और जो इन जो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड है ये नवरत्ना है बुद्धि साइट वैशाली एंड नलंदा आर सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बहुत इजी क्वेश्चन है तो बिहार में है नलंदा जो है वो सबसे ज्यादा जो न, नलंदा यूनिवर्सिटी है उसके लिए जाना जाता है कितनी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नलंदा यूनिवर्सिटी को किसने फाउंड किया था तो गुप्ता रूलर कुमार गुप्ता ने जो है उसको फाउंड किया था और इसको जो है तुर्किश इन्वेडर बख्तियार खिलजी ने जो था वो डिस्ट्रॉय किया था इलेवनटीन नाइन्टी थ्री में और इसी तरह जो वैशाली है इट वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ लिछेवीस और ये वर्ल्ड की पहली रिपब्लिक थी और लॉर्ड बुर्दा ने जो उनका जो लास्ट सरमन था वो यहां पे डिलीवर किया था इनमें से कौन लॉन टेनिस का चैंपियन नहीं है तो आंसर है बी मनिका बत्रा क्योंकि ये टेबल टेनिस प्लेयर हैं। और इनसे रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट चीज है इन, इनको जो है वो राजीव गांधी खेल रतन जो है वो मिला है For 2020. Which of the following is not a बहुत ईजी क्वेश्चन है नॉर्थ ईस्ट में आसाम अरुणाचल सिक्किम नागालैंड मिजोरम मेघालय त्रिपुरा मणिपुर ये सारी स्टेट्स आती है तो उड़ीसा जो है वो नॉर्थ ईस्ट इंडियन सिस्टर स्टेट्स का पार्ट नहीं है नेक्स्ट है मुगल एम्पायर के रूलर्स की करेक्ट सीक्वेंस देनी है तो आंसर यहाँ पे जो करेक्ट है वो है सी सबसे पहले बाबर था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से स्टार्ट हुआ 1526 से लेके 30 तक उसके बाद हुमायूं था 1530 से 1540 बीच में शेरशाह सूरी आ गए और फिर फिफ्टीन फिफ्टी फाइव से फिफ्टी सिक्स तक फिर अकबर की टर्न आती है फ़िफ्टीन फिफ्टी सिक्स से लेके 1605 जीरो फाइव तक फिर जहांगीर सिक्सटीन जीरो फाइव से सिक्सटीन ट्वेंटी सेवन तक फिर शाहजहां सिक्सटीन ट्वेंटी एट से फिफ्टी एट तक फिर औरंगज़ेब सिक्सटीन फिफ्टी एट से सेवनटीन जीरो सेवन और फिर जो है बहादुर शाह वन आते हैं सेवनटीन जीरो सेवन से ट्वेल्व तक नेक्स्ट इंडिया को एक सेकुलर कंट्री कहा जाता है धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है बिकॉज़ हैव द फंडामेंटल राइट टू सो आंसर हेयर इज सी फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन ऑफ वन चॉइस तो जो आर्टिकल्स ट्वेंटी टू ट्वेंटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्रीडम ऑफ रिलिजन देते हैं इसीलिए इंडिया जो है एक सेकुलर कंट्री है साइरस और कुम्बलस जो है किसके टाइप्स हैं तो साइरस और कुम्बलस जो है ये क्लाउड्स के टाइप हैं क्लाउड्स के तीन बेसिक पैटर्न होते हैं जिसमें साइरस आता है जो कि करली वाले जो क्लाउड्स होते हैं वो होते हैं उसके बाद स्ट्रेटस आता है जिसमें शीट्स या लेयर्स जैसे क्लाउड होते हैं और फिर जो है क्यूमलस आता है जिसमें बहुत सारे हीप्स और पाइल्ड जैसे जो क्लाउड्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं बेहदी खलम जो है एक ट्रेडिशनल डांस फेस्टिवल है कौन सी स्टेट का तो आंसर है डी मेघालय जो वाई में जयंतिया हिल्स में मेघालय में एवरी ईयर इन मंथ ऑफ जुलाई ये जो फेस्टिवल है सेलिब्रेट होता है इसका मेन पर्पस यही है इसमें गुड हेल्थ और हार्वेस्ट जो है उसके लिए फेस्टिवल जो है है। मनाया जाता है। जब उच्च स्तरों से बहने वाली जलधराए कम ढलान वाले भूतल्य ढालू मैदानों में, में विखंडित होती हैं, तो किस प्रकार की निक्षेपणीय स्थलाकृतियों का निर्माण होता है तो इसमें आंसर है जुलॉर्ड विच इज अलूबियल फैंस

ऑन विच डे ऑफ द ईयर इज द अर्थ फार्टेस्ट फ्रॉम द सन एट अ पोजिशन कॉल एपहीलियन एपिलियन जो है इसका मतलब कि उस दिन जो अर्थ है सबसे ज्यादा दूरी पे होती है सन से तो आंसर है ए फोर्थ जुलाई को और जो पेरीहीलियन है वो होता है जनवरी थर्ड को जिस दिन अर्थ जो है वो क्लोजेस्ट होती है टू सन Kartarpur Sahib Corridor connects Dera Baba Nanak Shrine in Gurdaspur, India to Kartarpur Gurdwara in Pakistan, which is located near the banks of river. The answer is C. Ravi. So, this Kartarpur uh, Gurdwara is famous for Guru Nanak Dev who was the first Sikh Guru. He spent last 18 years of, of his life at this place. And this corridor was completed for 550th birth anniversary of Guru Nanak in 2019 who has been appointed the 47th chief justice of india so answer is b sharad Arvind bogdi so chief justice of india and judges of supreme court are appointed by the president as per article 124 द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ आंसर इज बी फाइव इस फिक्स पीरियड है बट वो री इलेक्ट हो सकते हैं ही हैज राइट टू बी री इलेक्टेड दवार नाइनटीन वॉज नॉट कंफर्म अपॉन तो आंसर इज सी मेदा पाटकर बाकी तीनों को जो है ये अवार्ड दिया गया था एक साथ जिसमें कि प्रणब मुखर्जी जो है हमारे फॉर्मर प्रेजिडेंट थे भूपेन हजारिका जो है ये असामी सिंगर और कंपोजर हैं कम्पोजर थे सॉरी और जो नाना जी देशमुख हैं ये सोशल एक्टिविस्ट थे इसी के साथ जो शिफ्ट वन है वो कंप्लीट होता है अब हम शिफ्ट टू डिस्कस करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हैं जनवरी 10 ट्वेंटी टू तक टू थाउजेंड ट्वेंटी में कहाँ पे हुए थे तो आंसर इज ए गुवाहाटी इन असम और 2021 में जो है कहाँ पे होंगे पंचकुला हरियाणा में और इससे रिलेटेड अभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि इसमें जो है वो विनर कौन था कौन सी जो स्टेट है वो विनर थी तो इसमें जो महाराष्ट्र है महाराष्ट्र विनर था फॉलोड बाय हरियाणा और उसके बाद दिल्ली तो कुछ क्वेश्चंस जो है ईयर ये ऑन ईयर रिपीट हो सकते हैं इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आंसर इज ए एसक्यू एल एसक्यूएल होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर लैंग्वेज है फॉर स्टोरिंग मैन्युपलेटिंग एंड स्टोर्ड डेटा अ रिलेशनल बेस सेला डांस जो है कौन सी स्टेट में ओरिजिनेट हुआ द डांस इज परफॉर्म बाय बॉयज आफ्टर द हार्वेस्ट सीजन तो जो सेला डांस है ये छत्तीसगढ़ का फेमस डांस है सेला जो है एक स्टिक है जो कि सरगुजा छिंदवाड़ा और बेतूल जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं छत्तीसगढ़ की वहाँ पे ये डांस जो है ये फेमस है इन व्हिच ईयर ध्रोणाचार्य अवार्ड वाज इंसट्यूटेड तो आंसर है ए 1985 में और ये दिया जाता है टू आउटस्टैंडिंग कोचेस इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स तो ये अवार्ड जो है ध्रोणाचार्य जो है महाभारत से रखा गया है जो गुरु द्रोण थे उनके नाम पे और आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इसके इसको पहली बार जो है किसको मिला था फर्स्ट रेसिपेंट कौन थे तो बालचंद्र भास्कर भागवत जो थे रेसलिंग के लिए फर्स्ट पर्सन थे जिनको 1985 में द्रोणाचार्य अवार्ड जो था वो दिया गया था अब अब विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर डज एक्सोस्फेयर लाइज तो एक्सोस्फेयर के तुरंत नीचे वाली जो सतह है वो कौन सी है तो आंसर इज डी थर्मोस्फेयर तो एक्सोस्फेयर के नीचे क्या है थर्मोस्फेयर है सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर है फिर स्ट्रेट्रोस्फेयर है जिसमें कि अजोन लेयर होता है ये क्वेश्चन भी द्वारा द्वारा पूछा जाता है उसके बाद मैसोस्फेयर है फिर थर्मोस्फेयर और फिर क्या है एक्सोस्फेयर है जो कि आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ एटमोस्फेयर की नेक्स्ट क्वेश्चन है किस साल में हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है उसको डिस्कवर किया गया था तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को जो है नाइनटीन में जो है वो डिस्कवर किया गया था सर जॉन मार्शल के द्वारा विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज विल यू फाइंड इन द लिटोरल फॉरेस्ट तो इनको जो है वो टाइडल फॉरेस्ट भी कहा जाता है तो जो सुंदरी ट्री है वो जो है टाइडल फॉरेस्ट में पाया जाता है मैंग्रोव का ये एक इंपॉर्टेंट पेड़ है सुंदरी और ये ग्रो करते हैं कोस्टल एरियाज में जहाँ सॉल्ट मार्शे टाइडल क्रीक्स और एस्चूरीज होती हैं और आपको इस पे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में आता है की मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है किस चीज के साथ रिलेटेड है तो वो भी जो है वो अजोन डिप्लेशन जो सब्सटेंसेस ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं उनको रोकने के लिए जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये लॉ जो है वे, वो ये ये ट्रीटी जो है वो साइन की गई थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सेंटर अलाइनमेंट ऑफ अ लाइन एंड टेक्स्ट इन एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर तो आंसर है ई कंट्रोल प्लस ई से जो है वो अलाइन हो जाता है टेक्स्ट कंट्रोल प्लस सी से टेक्स्ट को कॉपी किया जाता है कंट्रोल प्लस जी से फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन जो है वो की जाती हैं और कंट्रोल ए से क्या होता है सिलेक्ट ऑल होता है जो 25th NFC, 1920, जो सीनियर मैच हुआ उसको कौन सी स्टेट ने जीता अरुणाचल प्रदेश में तो आंसर इज डी मणिपुर और मणिपुर ने ये टाइटल जो है वो ट्वेंटी जीता है ऑन सेवन जनवरी हुयरमैन ऑफ सेकेंड नेशनल जी एस टी कॉन्फ्रेंस एंड सेंट्रल स्टेट कमिश्नर्स जिसने स्ट्रीम लाइन किया जी एस टी टैक्स तो आंसर इज बी अजय भूषण पांडे विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज लॉन्च टू कंपेन्स नेम्ड अंगीकार एंड ई कोर्स ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने जो है लॉन्च किए थे कंपेन इसमें जो अंगीकार कंपेन है ये बिहेवियर चेंज के लिए है और जो ई कोर्स है ये है ऑन वर्नलिबिटी वर्नलिबिटी एटलस ऑफ इंडिया पे है नेक्स्ट गौरा गौरी पूजा जो है हर साल सेलिब्रेट की जाती है कौन सी स्टेट में तो आंसर इज ए छत्तीसगढ़ गौरा जो है उसका मतलब है लॉर्ड शिवा और गौरी से मतलब है गॉडेस पार्वती तो ये फेस्टिवल जो है पेस्टोरल लाइफ को दर्शाता है छत्तीसगढ़ की और इसमें तीन जो है इंपॉर्टेंट डांस जो देखने को मिलते हैं गेडी रोथ नाच और पंथी नृत्य आपको इसपे सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये कौन सी स्टेट के डांसेज हैं? ये डांसेज जो है मेनली गौरा गौरी पूजा पे जो है किए जाते हैं जिसमें जो गेडी डांस है ये गौन ट्राइब का डांस है जो रोथ डांस है ये यादव कम्युनिटी का डांस है और जो पंथी नृत्य है ये सतनामी लोग जो हैं उनका डांस है इनमें से कौन सा जो एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का तो आंसर है बी स्किन तो स्किन लीवर लार्ज इंसिस्टाइन लंग्स किडनीज ये सारे जो हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज बॉमडिला पास जो है कौन सी स्टेट में है तो आंसर इज सी अरुणाचल प्रदेश में है और ये अरुणाचल प्रदेश को लासा के साथ कनेक्ट करता है लासा जो है वो कैपिटल सिटी है तिब्बत की विच ऑफ आर फाइव दैट प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू तो प्लांट्स इनमें कौन से पा, जो पांच ग्रुप में जो है वो डिवाइडेड है तो आंसर है ए। एस जो कि फर्स्ट डिविजन है प्लांट किंगडम की जिसमें एल्गी और फंगी आता है फिर आता है ब्रायोफाइटा जिसको कि एम्फीबियंस कहा जाता है प्लांट किंगडम का थर्ड है टेरोडिफाइटिस जो टेरोडिफाइटिस है इसमें वो प्लांट्स आते हैं जो स्पोर्स को यूज करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए आपको इनपे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो जैमिनो स्पर्मस हैं उनको नेकेड सीड्स भी कहा जाता है ये फ्लावरलेस प्लांट्स होते हैं और जो एनजियो होते, है, होते हैं ये फ्लारिंग प्लांट्स होते हैं आपको पर्टिकुलर इन दो लास्ट के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि आप लोग ज्यादातर इसमें कंफ्यूज रहते हैं और यहाँ पे जरूर पूछा जाता है कि किसको जो एम्फीबियंस कहा जाता है प्लांट किंगडम का तो ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वो अमंग द द फॉलोइंग इज चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन तो आंसर इज सी एन के सिंह और जो फाइनेंस कमीशन है ये आर्टिकल टू एट्टी Of Indian Constitution के अंदर जो है ये mentioned है और इसको constitute करते हैं President of India पांच साल के लिए तो हर पांच साल के बाद ज़्यादातर जो हैं वो मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट बिल है 2019 उसमें मिनिमम कंपनसेशन क्या है फॉर हिट एंड रन केस जहां पे विक्टिम की जो है वो डेथ हो जाती है तो उस केस में जो अमाउंट है वो है टू लैख ,00 पहले जो है ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज से जिनको बढ़ा के टू लैख ,00 कर दिया गया है और अगर सीरियस इंजरी होती है तो फिफ्टी थाउजेंड जो है वो इसमें जो है है Which of द फॉलोइंग articles इंश्योर्स टू प्रोवाइड फ्री एंड compulsory एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ six टू fourteen एज फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन तो आंसर आर्टिकल ट्वेंटी वन ए तो आर्टिकल ट्वेंटी वन जो है वो फंडामेंटल राइट right है राइट टू एजुकेशन के नाम पे विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स इंडिया अंडर फिफ्टीन टीम डिफीट विद सेवन जीरो स्कोर इन फाइनल ऑफ द साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन हेल्ड एट कल्याणी स्टेडियम इन वेस्ट बंगाल आंसर इज डी नेपाल तो इंडिया ने जो है नेपाल को जो है सात जीरो से हराया था नसीम अल बहर जो एक्सरसाइज हुई बाइलेट्रल नेवल एक्सरसाइज हुई जनवरी सिक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी को उसमें ओमान की कितनी शिप्स जो है गोवा में अराइव की तो आंसर है बी टू शिप्स और जो नसीम अल बहर है ये नाइनटीन नाइन्टी थ्री से जो है लगातार इंडिया और ओमान के बीच में जो है वो कंडक्ट हो रही है सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर जो है बिटवीन किंगडम ऑफ मैसूर और ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो है कौन से ईयर में फाइट की ये जो आ, हुई थी वॉर हुई थी तो आंसर है सी सेवनटीन एट्टी से एट्टी फोर इसमें मराठा निज़ाम और हैदर अली तीनों मिलके जो के जो ब्रिटिश के अगेंस्ट थे और इसमें जो हैदर अली थे उनकी सेवनटीन एट्टी टू में जो है वो डेथ हो गई थी बीच इसी वॉर के बीच में ही और फिर उनके जो सन टीपू थे उन्होंने जो है वो लीड किया था इस वॉर को और ये एंड हुई थी ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के साथ तो कितनी बार आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी जो ये जो वॉर है कौन सी ट्रीटी के बाद जो है वॉर को वॉर के बाद कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी तो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर जो है सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर को इसने एंड किया था विच ऑफ दीज एमिनेंट इज इज द वन टू नॉट रिसीव भारत रत्न फ्रॉम फ्रॉम प्रेजिडेंट इन ईयर टू थाउजेंड एंड नाइनटीन तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है तो आंसर है ए सचिन तेंदुलकर ऐसा नहीं कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न नहीं मिला उनको मिला था टू थाउजेंड एंड फोर्टीन में और वो फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन है और यंगेस्ट पर्सन है जिनको भारत रत्न अवार्ड जो है वो दिया गया है वट वॉज द नेम ऑफ द मेगा ओशियन दैट सराउंडेड द सिंगल कंटिनेंटल मास बिफोर कंटिनेंटल ड्रिफ्ट एज डिस्क्राइब बाय एल्फर्ड वैगनर आंसर इज डी पैथालासा जो सुपर कंटिनेंट था उसका जो नाम है वो पेंजिया था और जो मेगा ओशियन था वो पैथालासा था अगस्त थर्टीन में डिकॉम टी स्टेट ऑफ असम ने गोल्डन बटरफ्लाई जो टी है कितनी कॉस्ट पे बेची थी तो आंसर B, 75, रुपीस पर केजी. तो आंसर इज बी पर इसी के साथ ही जो शिफ्ट टू है वो भी कंक्लूड होता है अब हम डिस्कस करेंगे शिफ्ट थ्री तो पहला क्वेश्चन द कंसेप्ट ऑफ वेजिज रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट आर स्टडीड अंडर विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स तो आंसर इज सी माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकसिस ऑन एक्शन ऑफ इंडिविजुअल एजेंट्स विद इन द इकोनॉमी लाइक हाउस होल्ड वर्कर्स लुक्स एट द इकोनॉमी एज अ होल तो आप देख सकते हैं कि एक ही एक ही एक डेट पे आपको दो क्वेश्चन जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स पे पूछे गए थे विच अवार्ड इज गिवन टू द बेस्ट कोच इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स फिर से एक ही दिन में क्वेश्चन रिपीट हुआ तो आंसर है द्रोणाचार्य अवार्ड जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 1985 में जो अवार्ड है ये स्टार्ट हुआ था विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ऑफ दर्गनेंट्री कैनल इज डी लीवर और पैंक्रिया जो है वो पार्ट नहीं है इसमें जो है एलिमेंट्री कैनल में माउथ आता है बक्कल कैविटी आती है ऑइसो स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन तो ये सारे जो है उसमें आते हैं और पेंक्रिया से रिलेटेड आजकल जो ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि पैंक्रिया कौन सा हार्मोन जो है वो सिक्रीट करता है तो इंसुलिन करता है और इंसुलिन जो है कौन सी डिजीज से रिलेटेड है तो आंसर है डायबिटीज तो ये जो क्वेश्चन है आजकल आपको लगातार एग्जाम में पूछा जाता है कि आप अवेयर हैं या नहीं है इनमें से कौन सी एब्रीवेशन जो है रिलेटेड टू तो इंडियन सिविल सर्विस इन तो आंसर है बी आईसीएस सिविल सर्विसेज जो है उसमें प्रोमिनेंट जो सर्विसेज हैं उसमें आईएएस है जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस फिर है आईएफएस जो है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और फिर आईपीएस है जो है इंडियन पुलिस सर्विस और इसमें आईआरएस भी होते हैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस एट विच ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेशन कैन टूरिस्ट विजिट विजिटिंग इन विंटर एक्सपीरियंस लिविंग इन इग्लूज तो ये कंसेप्ट जो है मनाली में स्टार्ट किया गया मनाली जो है वो हिमाचल में है और इस साल सिमिलर जो आ, इग्लू वाला जो एक्सपीरियंस है इसमें इग्लू होटल जो है पहली बार जो है वो वहां पे शुरू किया गया है गुलमर्ग में जे एंड के में और ऐसे इग्लू जो है वो स्कीमोज के साथ जो है वो एसोसिएटेड है जैसे पूछा जाता है कि पर्टिकुलरली जो स्कीमोस हैं वो इग्लूज में रहते हैं चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट विल कनेक्ट फोर होली प्लेसेस यमुनोत्री गंगोत्री केदारनाथ एंड बद्रीनाथ तो ये कौन सी स्टेट में है तो ये उत्तराखंड में है और ये जो हाईवे प्रोजेक्ट है इसको दिसंबर 2016 में जो है वो स्टार्ट किया गया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स ऑफ द एलिमेंट आंसर इज ए कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर एनी क्लास ऑफ लार्ज क्लास ऑफ केमिकल कंपाउंड इन विच वन और मोर कार्बन एटम्स आर एलिमेंट्स और मोस्ट कॉमनली हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नोवको डिफेटेड रफेल नडाल टू हेल्प हिस्स कंट्री पिकअप ए टी पी कप तो ये कौन सी गेम की बात हो रही है इसमें ये दोनों किस गेम के प्लेयर्स हैं या ए टीपी कप जो है कौन सी स्पोर्ट के साथ जो है वो एसोसिएटेड है तो आंसर है डी लॉन टेनिस ये दोनों जो है प्रोमिनेंट प्लेयर्स हैं लॉन टेनिस के लघु भाटा जो नीप टाइड है कब कब आता है? है तो इसका आंसर ए। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के समकोण पर होते हैं इट अक्कर सेवन डेज आफ्टर द स्प्रिंग टाइड। द प्रोमिनेंट पॉइंट इज दैट सन एंड मून आर एट राइट अदर इन सिलेक्ट द करेक्टली मैच पेयर ऑफ नेम ऑफ कंपनी एंड इट्स फाउंडर तो आंसर है डी विप्रो मोहम्मद हाशिम प्रेम जी और जो कंपनी है ये 1945 विप्रो जो है 1945 में जो इनकोट की गई थी तब ये कंपनी का नाम था वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल लिमिटेड जिसको बाद में एब्रीवेट कर दिया गया विप्रो और अगर हम रिलायंस की बात करें तो रिलायंस के फाउंडर मुकेश अंबानी नहीं थे बल्कि उनके फादर धीरू भाई थे जो इन्फोसिस हैं इसको नारायण मूर्ति नंदन नीलकणी एन एस राघवन एस गोपाल कृष्ण इन सब ने मिलके जो है 1981 में जो है वो फाउंड किया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोर्टेबल डिवाइस तो कौन सी पोर्टेबल डिवाइस नहीं है तो जो डेस्क डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं पोर्टेबल डिवाइस वो होती है जिसको हम इजिली कैरी करके कहीं भी लेके नहीं जा सकते तो जैसे स्मार्टफोन टैबलेट्स फ्लैश मेमोरी ये सारी हार्ड डिस्क है सारी पोर्टेबल हैं लैपटॉप पोर्टेबल हैं लेकिन डेस्कटॉप कंप्यूटर्स नहीं हैं साइंटिस्ट द थ्यूरी ऑफ रेलेटिविटी तो थ्यूरी ऑफ रेलेटिविटी जो है वो एलबर्ट आइंस्टाइन ने दी थी और रेलेटिविटी जो है इट इज द स्टडी ऑफ हाउ डिफरेंट ऑब्जर्वर्स मेजर द सेम इवेंट विच इंडियन इंग्लिश ऑथर वॉज गिवन द ज्ञानपीठ अवार्ड टू थाउजेंड एंड नाइनटीन तो आंसर है अमिताभ घोष और ये फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज राइटर हुए जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो दिया गया द नेम ऑफ द फर्स्ट रिसर्च स्टेशन इन अंटार्क्टिका बिल्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहला बताना है तो सबसे पहला जो था वो दक्षिण गंगोत्री था दक्षिण गंगोत्री जो था वो 1983 में स्टेब्लिश किया गया था लेकिन बाद में ये जो है ये स्नो में स्नो में जो है वो कवर हो गया था तो उसके स्नो में बरी होने के बाद जो मैत्री है इसको किया गया था 1988 में और अभी जो बिल्कुल न्यूली है वो भारती है तो ये सारे जो है अवेलेबल हैं भारती जो है मार्च टू थाउजेंड एंड ट्वेल्व में जो है वो स्टैब्लिश किया गया था अंटार्कटिका में इंडिया के द्वारा तो अभी अगर अभी की प्रेजेंट की बात किया जाए तो मैत्री और भारती जो है, वो दोनों रिसर्च स्टेशन इंडिया के हैं अंटार्टिका पे दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा ये नारे किसने दिए थे तो ये जो है सुभाष चंद्र बोस ने जो है ये वाले स्लोगन्स दिए थे Which of the following Indian classical ऑफ has been इनकरेक्टली matched विद हर डांस फॉर्म तो नंदिनी सिंह जो है वो कथक से रिलेटेड है राधा रेड्डी जो है कुचुपुड़ी के साथ जो है रिलेटेड है माधवी मुदगल जो है उड़ीसी के साथ जो है रिलेटेड है लेकिन जो शाश्वती सेन है ये कथक के साथ रिलेटेड है भारतनाट्यम के साथ नहीं मुगल एम्पर हमायूस जो लाइब्रेरी है इंडिया में कौन सी प्लेस में है तो आंसर है ए न्यू दिल्ली में और ये जो है पुराना किला फोर्ट जो है दिल्ली में उसमें जो ये लाइब्रेरी है और जो हमायूँ थे उन्हीं की उ, उनकी उसी लाइब्रेरी में जो है 1556 में डेथ हुई थी क्योंकि वहां से स्टेयर से गिर गए थे विनेश फोगाट जो हैं किस चीज़ की किस चीज़ की जो है वो प्लेयर हैं तो रेसलिंग रेसलिंग के साथ रिलेटेड हैं और इनको जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिला है टू में तो मैं जब भी आपको अवार्ड के साथ रिलेटेड राजीव गांधी खेल रत्न का क्वेश्चन जब भी एड्रेस किया जितने भी प्लेयर्स को अवार्ड मिलता है आपको उसके साथ एसोसिएटेड सपोर्ट के साथ जो क्वेश्चन है वो लगातार पूछा जाता है कि कौन सी स्पोर्ट के साथ एसोसिएटेड है वो पर्टिकुलर जो प्लेयर है वो वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और वो लगातार जो है दो टर्म्स के लिए जो है वो प्रेसिडेंट रहे 1950 से लेकर 1962 तक और उनको भारत रत्न भी दिया गया था 1962 में टू विच कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड डू इंडिया चाइना और जापान जो है तीनों कौन से कंटिनेंट में आते हैं तो इंडिया चाइना और जापान जो है ये एशिया में आते हैं जेफ बेजोस जो है किस कंपनी के सीईओ हैं तो आंसर है सी एमेजोन और इस समय रिचेस्ट पर्सन है वो उसके बाद जो है एलोन मस्क हैं तो सबसे पहला नाम जो है इन्हीं का आता है ड्यूरिंग द रूल ऑफ टीपू सुल्तान कैपिटल सिटी कौन सी थी मैसूर की तो आंसर है बी श्रीरंगपट्टनम ये हैदर अली जो उनके फादर थे उनकी भी यही कैपिटल थी और टीपू सुल्तान की भी यही कैपिटल थी और ये लोकेटेड थी कवेरी रिवर के बैंक्स पे और ये सिचुएटेड थी एक आइलैंड पे ऑफ कवेरी रिवर हु अमंग द फॉलोइंग वाज गिवन राजीव गांधी खेल रतन अवार्ड और किस अव, आ, स्पोर्ट के लिए जो उन्हें जो है अवार्ड मिला था तो आंसर है सी गगन नारंग को शूटिंग के लिए और उनको ये अवार्ड जो है वो 2011 में दिया गया था और उन्हें अर्जुना अवार्ड भी मिला था 2005 में किस देश को विश्व का कॉफी बाउल भी कहा जाता है तो आंसर है बी ब्राजील ब्राजील जो है इट इज नॉन एज कॉफी बाउल ऑफ द वर्ल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर तो इनपुट डिवाइस कौन सी है इनमें से तो आंसर है ए स्कैनर स्कैनर से स्कैन करके हम जो है किसी भी डॉक्यूमेंट या किसी भी फोटोग्राफ टेक्स्ट को जो है वो कंप्यूटर में इंसर्ट कर सकते हैं लेकिन प्रिंटर से हमें प्रिंट आउट मिलता है मोनिटर पे डिस्प्ले होता है और स्पीकर जो है हमें ऑडियो जो है वो देता है आप बेसिकली अगर अपना प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो आप देखेंगे कितने क्वेश्चंस स्पेशली जो कंप्यूटर से रिलेटेड थे बिल्कुल कॉमन अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस थे तो प्रीवियस ईयर पेपर को जब भी आप रिवाइज कर रहे हैं तो आप उन क्वेश्चन को दोबारा दोबारा देखें कि आपको किस चीज से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस टॉपिक से तो इसी के साथ ही हमारी ये जो डिस्कशन थी यहीं पर कंक्लूड होती है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग